बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस सेशन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मार्केटिंग इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। इसका मकसद क्या है कि जो मार्केटिंग के फेजेस हैं, पहले मार्केटिंग कहाँ थी, मार्केटिंग ने कैसे अपने एवोल्यूशन के दौर को स्टेप बाय स्टेप मूव करती गई और आज के इस सिनेरियो में मार्केटिंग कहाँ पे प्लेस करती है। तो पहले मार्केटिंग से हम क्या मुराद लेते थे, आज मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से मल्टी डायनामिक हो चुकी है और इसका जो मूवमेंट है, ये जो ट्रैवल किया है इस और इसने अपने जो कंसेप्ट है वो चेंज किए हैं। यानी कि पहले अगर आज से 50 साल पहले आप नाम लेते थे किसी चीज़ का कि हमने इसकी मार्केटिंग करनी है, तो उस वक्त मार्केटिंग से क्या मुराद होती थी। और आज हम अगर मार्केटिंग का नाम लेते हैं या मार्केटिंग से कुछ हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसका जो थ्रेशहोल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसी सिनेरियो में हमने बात करनी है आज के इस लेक्चर में। तो लेक्चर की डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं कि आप ये लेक्चर सुन रहे हैं हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से, और हार्वर्ड एकेडमी जो है वो CSS, PMS और PCS के जितने भी प्रिपरेशन है वो ऑनलाइन करवाती है थ्रू वेबसाइट, और वेबसाइट का एड्रेस है www.harvardacademy.com। और आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग के कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है। जब आप मार्केटिंग का नाम लेते हैं तो मार्केटिंग का नाम लेते ही आपके माइंड में फौरन से क्या आता है, आप सोचें, अपने माइंड में सोचें, कुछ ना कुछ आपके माइंड में आ रहा होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आ रहा होगा। आप टीवी पे देखते हैं आजकल मार्केटिंग का क्या सिनेरियो है, और अगर आप अपने किसी बड़े से पूछें तो आज से कुछ अरसा पहले, यानी कि 10-15 साल पहले चले जाएं, तो उसमें आप देखेंगे कि मार्केटिंग का तरीकाकार ही कुछ और होता था। जब कोई चीज़ नई आती थी वो बताई जाती थी, लोग प्रैक्टिकल उस पर करते थे, और स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में ब्रोशर और बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते थे लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ हो रही है। और इसकी एक क्लासिकल आपको एग्जाम्पल दूँ तो जब कोई नई मूवी आती थी, तो आज भी अगर किसी आप थोड़े से बैकवर्ड सिटी में चले जाएं तो आप देखेंगे तांगे पे वो बैठ के ढोलकी उनके हाथ में होगी और वो बजा रहे होंगे, और साथ में उन्होंने अपने बैनर लगाए होंगे जो नई मूवी रिलीज़ हो रही है, स्पेशली ईद के इवेंट्स पे या आगे पीछे कोई बड़ा इवेंट आ रहा होता है तो वो उसकी मार्केटिंग हो रही होती है, यानी कि उसकी एडवर्टीज़मेंट हो रही होती है। तो मार्केटिंग से मुराद हर वो चीज़ है जिससे आप अपनी प्रोडक्ट का दूसरे लोगों को बताने के लिए कि ये चीज़ हमने बनाई है और इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या इसकी अहमियत है, कहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकती है। आप जब प्रोडक्शन की प्लेस से दूसरे कंज्यूमर तक बताने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं वो इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि विद इन बिजनेस भी हो सकता है, और आउटसाइड ऑफ द बिजनेस भी हो सकता है, लेकिन जो इनवर्ड द बिजनेस है या इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें इतनी एफर्ट्स दरकार नहीं होती। समटाइम आप ये भी देखें, कई मल्टी नेशनल कंपनीज जो होती हैं वो अपने कस्टमर के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जो उसके कस्टमर विद इन डिपार्टमेंट होते हैं उनके लिए उन्होंने आउटलेट रखा होता है, या जो करीबी एरिया होता है उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए उन्होंने अपने प्रोडक्शन जो होती है उसका आउटलेट रखते हैं, और वहाँ पे इजी प्राइस पे या कम कीमत पे आपको वो चीज़ मिलती है। तो वो क्या होता है, इनफैक्ट वो उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो रही होती है। तो अगर आप इसी पुराने दौर की, जो मैंने आपको एक मूवी की क्लासिकल एग्जांपल दी कि मार्केटिंग उसकी की जाती थी, तो उसमें लोग जो है वो घोड़ा तांगा, या आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रोशर हैंड टू हैंड दे रहे होते हैं लोग, आप शॉप के दरवाजे से निकलते हैं तो आपको एक ब्रोशर दिया जाता है, या आप कोई बुक बाय करते हैं तो साथ में उसके अंदर ब्रोशर रख दिया जाता है, या आप कपड़े लेते हैं तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। ये सारी की सारी क्या चीज़ें हैं, ये मार्केटिंग है। हर कंपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाती है, और आज कल की जो मार्केटिंग है उससे टोटली डिफरेंट हो चुकी, और क्या वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मार्केटिंग की स्ट्रेटजी डिफरेंट हुई है, चेंज हुई है पहले से निस्बत, यानी कि 20-25 साल पहले आप चले जाएं तो अब आप देखें कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा हो तो पहले होता था कि चंद उसमें एडवर्टीजमेंट आती थी, अब कितने हजारों चैनल बन चुके हैं
और हर चैनल पे मार्केटिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट की भरमार होती है, इसके बावजूद जो है वो कंपनीज़ अपनी उसको टारगेट करती हैं जो मास कम्युनिकेशन, यानी कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं या मूवीज़ हैं। इसके अलावा आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया के जितने भी चैनल्स हैं, आजकल आप टिकटॉक देख लें, फेसबुक देख लें, व्हाट्सएप देख लें, तो हर जगह पे आपको एडवर्टीजमेंट, लोगों ने ग्रुप्स बनाए होते हैं, लोगों ने उसकी अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं अपनी प्रोडक्ट की। और इसके अलावा आप टिकटॉक को देखें तो जितने भी स्टार्स होते हैं उनको लोग पे करते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट के साथ या हमारे फलाने सूट के साथ, ड्रेस के साथ आप एक जो है वो कोई सीन कर दे, तो वो भी इनफैक्ट एक मार्केटिंग है। तो इसको हमने ओवरऑल समझना है। तो जब मार्केटिंग आप करते हैं तो मार्केटिंग में जो चंद बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप फोकस करते हैं वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन और पोजीशनिंग है। तो इन चीज़ों के बारे में कंसेप्ट होना लाजमी है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट से मुराद क्या है। जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट से मुराद ये है कि आप जो चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है प्रोडक्ट। उसमें व्हाट इज़ या व्हाट आर यू सेलिंग वो चीज़ है। इट माइट बी ए प्रोडक्ट और सर्विस भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। इसके अलावा एक आप प्रोडक्ट भी बना रहे हैं लेकिन आप प्राइस की बेसिस पे, यानी कि आप उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखते हैं उसकी बेस पे, यानी कि आप ये कहते हैं कि ये मेरे पास सेल फोन है, तो ये सैमसंग अगर फंस गया सेल फोन बनाता है तो उसके सेम फंक्शन है, वो भी जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, और दूसरी कंपनी ओप्पो है या फिर क्यू मोबाइल्स हैं वो भी बना रहे हैं, वो क्या करते हैं, फंक्शन वही हैं, वही फंक्शंस हैं, और वो प्राइस पे डिफरेंस जो है वही चीज़, वही फंक्शंस आपको जब सैमसंग 80,000 में एक सेल फोन दे रहा है, जबकि आपको ओप्पो जो है उससे निस्बतन कम प्राइस में, और क्यू मोबाइल जो है वो मार्केट निशी जो है वो जो वो लोग जो इतनी जिनकी बाइंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती वो उनको टारगेट करते हैं और वही चीज़ उनको प्राइस की बेस पे, यानी कि आप मार्केटिंग करते हैं प्राइस की बेस पे। और जब आप जाते हैं तो प्राइस की बेस पे जब करते हैं तो इट्स मीन के जो प्राइस का डिफरेंस है, अब प्राइस में जो क्यों मोबाइल होगा वो निस्बतन जहाँ पे जिन लोगों की इनकम कम होगी उनको वो पे कर रहे होंगे, उन पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि उनकी जो कंसंट्रेशन होती है लो इनकम पीपल होते हैं। तो जबकि आप सैमसंग की बात करें तो उन्होंने एक अच्छी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी को फोकस करते हैं, तो यानी कि वो जो पोजिशनिंग रखते हैं, जो वो अपने कस्टमर के माइंड में एक जगह बनाते हैं उसको फोकस कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्रमोशन, कई ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है लेकिन वो मार्केट में आपको नज़र नहीं आती, उसका मसला क्या होता है, उसका मसला सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ऐसी कंपनीज़ जो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट तो बना देती हैं, प्रोडक्ट को फोकस करती हैं लेकिन उसको प्रमोशन नहीं करती, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ नहीं होती तो वो इतनी परफॉर्म नहीं करती। इसके अलावा प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो बिग सिटीज में अपने प्रोडक्ट रखती हैं, लेट्स सपोज हम एक विगो गाड़ी कर लेते हैं, तो विगो गाड़ी आपको किसी छोटे शहर में नज़र नहीं आएगी क्योंकि उन लोगों की बाइंग पावर कम है, तो वहाँ पे वो चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तो वो देखते हैं कि प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे सिटीज़, ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पे जिन लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है और जिन पे वो फैसिलिटीज़ होती हैं कि आपकी जो वो प्रोडक्ट है वहाँ पे लोगों की डिमांड भी हो, तो ये आपने जो प्रोड्यूसर है उसने देखना होता है कि मैंने किस जगह पे उस चीज़ की मार्केटिंग करनी है, यानी कि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है वो कहाँ कहाँ तक पहुँचाना है, सिर्फ बड़े सिटीज़ में मैंने अपनी प्रोडक्ट को रखना है, गांव में रखना है या कहाँ पे रखना है। तो गांव में अगर फर्ज किया ट्रैक्टर है जो जिनसे हल चलाए जाते हैं या फिर ट्राली है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे मार्केटिंग है, इसकी कहाँ पे प्लेसिंग होगी, गाँव में, क्योंकि जो दही इलाके हैं वहाँ पर ही खेती बाड़ी होती है, खेती बाड़ी की चीज़ है तो वहीं पर यूज़ होगी। अगर आप किसी सिटी में या सिटी में रहने वाले लोगों को मार्केटिंग करेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रमोशन की मैंने बात की, जब तक आप प्रमोट नहीं करते अपने प्रोडक्ट को तो ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। कोई प्रोडक्ट को बेस के बना के मार्केटिंग कर रहा होता है अपनी प्रोडक्ट की, कोई प्राइस की बेसिस पे डिफरेंस होता है और वो ज़्यादा मास प्रोडक्शन करने के बाद कम प्राइस पे सेल कर रहे होते हैं। इसके अलावा प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कहाँ पे आपने चीज़ बेचनी है, प्रमोशन आप कैसे प्रमोट करते हैं, आपने कितनी मार्केटिंग करते हैं, पोजिशन कि आप कहाँ पे जाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की प्लेस क्या हो। चाइना की एग्जाम्पल ले लें, चाइना की ने क्या स्ट्रैटेजी रखी हुई है, वो हर
हर कंट्री के लिए चीज़ बनाते हैं, यानी कि उसमें गरीब से गरीब जो यूज़र है उसके लिए भी वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर वो किसी ऐसे कंट्री में जिनकी इनकम लेवल हाई है वो वहाँ पे अगर सेल करते हैं तो उनकी जो इनकम होती है हाई होने की वजह से उनको क्वालिटी भी अच्छी देते हैं, यानी कि वो पोजिशन कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी प्रोडक्ट को पोजीशन करते हैं कि हमने हाई क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है फलां कंट्री में पोजीशन करनी है और लोग उसको बाय करेंगे और हमें उनसे जितना हम उस पर कॉस्ट स्पेंड करेंगे उससे हमें बेनिफिट भी होगा, और जब उस पर लागत कम आएगी लो क्वालिटी की चीज़ होगी तो वो ऐसी जगह पे उसको पोजीशन करेंगे जहां पे लोगों की इनकम कम है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं। पर्सनल रिलेशनशिप जो है ये मार्केटिंग, आप देखते हैं कि मार्केटिंग के जो लोग हैं जहाँ पे ऐसी बिजनेस ऐसी शॉप जिन पे फ्रिक्वेंट लोग आते हैं कस्टमर की, आजकल देखें तो बहुत तगड़ा होती है। जब आप जाते हैं अक्सर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग प्लाजे में तो आपको डोर भी ओपन मिलता है, आपका दरवाज़ा खोल के इंटर किया जाता है, वेलकम एक कहने वाला होता है, दूसरा आपको सलाम करता है, तीसरा एक आपके साथ विद प्रोटोकॉल जो है वो आपके साथ चलना शुरू हो जाता है और आपको प्रोटोकॉल देता है कि बताएं आपको क्या चीज़ चाहिए। वो ये सारी की सारी क्या है रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए वो पोलाइट और आपको वो सारी चीज़ें सहूलियात दे होते हैं कस्टमर के साथ। ये सारी की सारी क्या चीजें हैं, ये प्रमोशन हो रही होती है अपनी जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इनफैक्ट कस्टमर को वो एक जो समूह है या जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो मुहैया करते हैं कि हम आपको बेहतर से सहूलियत देते हैं, सहूलत देते हैं और आप हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, तो वो वैल्यू देते हैं और कस्टमर अल्टीमेटली खाली हाथ लौटने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है मुझे अब इस जगह पे आया हूँ, इतना प्रोटोकॉल मुझे अगर मिल गया है तो मुझे कुछ ना कुछ बाय करना चाहिए। तो ये स्ट्रेटजीज हैं जो हर कंपनी अपने हिसाब से लेके चल रही होती है। अच्छा, एक बात याद रखने वाली है कि जो पहले लोग होते थे, जो कस्टमर होता था उसको एक ही चीज़, आपने देखा हो या नहीं देखा हो तो हमने वो टाइम पे देखा जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मार्केट में आपको लाइफ बॉय, लक्स और कैप्री साबुन नज़र आते थे, सोप नज़र आते थे, और अगर आप टूथ पेस्ट की बात करें तो आपको इंग्लिश और कॉलगेट और चंद एक और नज़र आते थे। आज आप जाएँ आप गिनती नहीं कर पाएंगे, लोगों का स्टाइल चेंज हो गया है। हर एक की जो पहले कोई अगर एक जो डेंटोनिक एक होता था उसका एक पाउडर टाइप होता था वो लोग यूज़ करते थे और वो उसी के साथ ही करते थे, वो कहते थे मैंने हमेशा ये यूज़ किया और मैं इसी को यूज़ करूँगा। लेकिन आज किसी को आप देखें कभी वो कोई सोप यूज़ कर रहा है, परफ्यूम की बात करें तो वो कभी कोई परफ्यूम यूज़ कर रहा है, और अगर किसी और भी चीज़ की बात करें, ब्रांड की बात करें, ड्रेसेस की बात करें तो वो ब्रांड चेंज करते रहते हैं। यानी कि अब जो है चेंज इन कंज्यूमर बिहेवियर, लोगों का बिहेवियर जो है कस्टमर जो है जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं उनका बिहेवियर चेंज हो चुका है। वो जहाँ पर देखते हैं क्वालिटी है, जहाँ पर देखते हैं प्राइस में क्या डिफरेंस है तो वो चीज़ चेंज करते हैं। तो आप लॉयलिटी के साथ अपने कस्टमर को फोकस अब नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग में आपको ये भी कंसीडर करना पड़ता है। इसके अलावा जो आजकल के दौर में जो आपको चेंज हुई है, यानी कि पहले तो हमने जो 4 P's और 6 P's पे बात की, यानी कि प्रोडक्ट है, प्लेस है, प्रमोशन है, प्राइस है, इन चीज़ों पे अब जो है देखा जाता है कि आप अपने कस्टमर की केयर कितनी करते हैं। जितना आप अपने कस्टमर को केयर करेंगे उतना ही वो कस्टमर आपको जो है वो रिटर्न देगा, वो आपसे चीज़ें बाय करेगा। तो आज इट हैज़ रिप्लेस्ड सर्विस इन इम्पॉर्टेंस, मार्केटर्स मस्ट रियली केयर अबाउट द वे दे ट्रीट कस्टमर्स, मीनिंग दैट कस्टमर्स आर रियली एवरीथिंग। जो मैंने आपको शॉपिंग मॉल की एग्जाम्पल दी कि उसको प्रोटोकॉल मिलता है तो वो केयर का ही है। तो अब चॉइस, लोगों के पास चॉइस बढ़ गई है, पहले एक ही प्रोडक्ट होती थी उसी को फोकस किया जाता था और वही बाई करने के लिए जो होती थी, लेकिन अब लोगों के पास चॉइस बढ़ चुकी है। अब जो है आपको इंटरटेनमेंट के लिए हर चीज़ है, यानी कि आपके पास चॉइस है, आप टीवी देखें, ड्रामा देखें, आपके पास चॉइस है, आप मूवी देखें, आपके पास चॉइस है, सोशल मीडिया में यूट्यूब यूज़ करें, आपके पास चॉइस है, फेसबुक यूज़ करें, जो है फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाएं। और ये जो मीडिया है और स्पेशली जो इंटरनेट है इसने तो टोटली चीज़ों को ही बदल दिया है, और मार्केटिंग में इन्होंने आगे चल के भी मज़ीद हम बात करेंगे कि आज की जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज है वो किस तरीके से फॉलो की जा रही हैं और उसमें इंटरनेट का क्या रोल है। इसके अलावा कम्युनिटी की बात की जाए तो जो प्रोडक्ट बनाई जाती है उसमें
हर जो प्रोड्यूसर है वो कोशिश करता है कि उसकी एक कम्युनिटी जनरेट हो, यानी कि जो उसकी प्रोडक्ट बाय करने वाले लोग हैं उसकी एक कम्युनिटी हो, वो उसको फोकस करता है और अपनी मार्केटिंग उसको करनी पड़ती है। इसके अलावा जो चैलेंज है, जो कस्टमर है उसको देखना पड़ता है कि उसकी डे बाई डे रिक्वायरमेंट चेंज कैसे हो रही है, और प्रोड्यूसर को रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। और ये जो चैलेंज है कंपेटिटर्स का और अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में इन रखने का, उसके पास ये चैलेंज होता है। और उसको ये सारी की सारी ये चारों जो पॉइंट है, यानी कि कस्टमर का केयर, चॉइस उसकी जो है उसकी चॉइस पे पूरा उतरना, और अपनी प्रोडक्ट को इन रखना, कम्युनिटी उसको डेवलप करना कि हमारी प्रोडक्ट कौन यूज़ करेगा और उसके साथ वो मुतमिन भी रहे, सेटिस्फाई रहे। और जो चैलेंज है मार्केट का इनोवेशन है, हर दूसरे दिन एक नई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाती है। अगर कोई लग्जरी चीज़ है, महंगी आइटम है, तो उसमें इतना बनाना उसका आसान नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा चल जाता है। अदरवाइज़ जो है लो प्राइस जो आइटम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से उनमें तब्दीली आ रही होती है। इसके बाद आता है एंड ऑफ द मास मार्केट, यानी कि पहले होता था कि आपने जो चीज़ प्रोड्यूस की उसकी मार्केटिंग करें, यानी कि जो बनाते जाएं और उसकी मार्केटिंग करते जाएं। अब वो टाइम नहीं है, आप मास मार्केट नहीं कर सकते, यानी कि बस आपने अपने लोगों को वो ड्रेसेस पहनाए और मार्केट में भेज दिया, क्योंकि आप अपने ड्रेस की मार्केटिंग करना चाहते हैं, ब्रोशर छपा है वो आप लगाना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें नहीं है अब, यानी कि अंधाधुंध चीज़ों को नहीं है, बल्कि आप फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं। तो इसमें ड्यूरिंग द ईयर 90s के दौर में ये होता था कि मास मार्केट होती थी, अब वो मास मार्केट का रुझान नहीं है। तो ये सारी बातें इसी में यही हैं, अल्टीमेटली आपको यही सीखने को मिलेगा, आप इसकी रीडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ हमें चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं, यानी कि इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन जो है वो चेंज हो रही है, डाइवर्स हो रही है, यानी कि आपकी एक प्रोडक्ट है हो सकता है वो ऐसे लोगों के लिए हो जो 90+ एज के लोग हों, यानी कि चंद एक लोग, अब बूढ़ा है तो बूढ़े को कोई चलने के लिए छड़ी चाहिए, तो अब छड़ी बनाते हैं तो उन लोगों के लिए जो 80+ 70+ लोगों के लिए होगी, यानी कि वो बच्चों के लिए वो आपकी नहीं है आइटम। और अगर आप एक ऐसा हॉकी बनाते हैं तो वो यंग लोगों के लिए जो हॉकी खेलने वाले हैं, वो एक डाइवर्स होगी। अब क्रिकेट की जो आइटम हैं वो बनाते हैं तो वो यूज़ करते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, और इस तरीके से लोगों का शौक जो है डाइवर्स हो चुके हैं, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं हो सकता है कि आप फीमेल जेंडर को कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं कि जो फीमेल होंगी वो आपके प्रोडक्ट यूज़ करेंगी, साथ ही वही आइटम उससे थोड़ी सा डिफरेंस के साथ वो आइटम जो है मेल के लिए आप इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो उसमें आपको डाइवर्सिटी का ख्याल रखना पड़ता है कि आप कितने इनकम वाले लोगों को फोकस, डेमोग्राफिक के हिसाब से किन बैकवर्ड एरियाज़ को फोकस करना चाहते हैं, मॉडर्न सिटीज़ को फोकस करना चाहते हैं, या ऐसे सिटीज़ को या ऐसे कंट्रीज़ को फोकस करना चाहते हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम किस लेवल पे है, लोअर पर कैपिटा इनकम के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या हायर को। और चाइना की मार्केट, चाइना मार्केट जो है ये इसीलिए छाई हुई है कि इसने हर चीज़, हर क्वालिटी में, हर प्राइस में इन्होंने बनाई, यानी कि इन्होंने क्वालिटी को भी, प्रोडक्ट को भी फोकस किया और प्राइस को भी फोकस किया, यानी कि वही चीज़ वही फंक्शंस के साथ आपको लो क्वालिटी में भी मिल जाती है और वही चीज़ आपको ड्यूरेबल जो है विद गारंटी वारंटी आपको महंगी भी मिल जाती है। तो इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी बढ़ती जा रही है, किसी भी कंट्री में जाएं आपको एक जैसे लोग नज़र नहीं आएंगे। पाकिस्तान में आप जाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, या आपको एक जगह पर सिर्फ एक जगह के एक जैसे लोग नहीं बल्कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग मिक्स हो रहे हैं। और दूसरे जो मॉडर्न सिटीज़ हैं या मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पे कितने लोग इमिग्रेंट्स होते हैं जो दूसरे कंट्री से वहाँ जाते हैं, रिसाइड होते हैं, और तो उनको आप फोकस करते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आप अमेरिका में जाके पाकिस्तान के जो कल्चर की चीज़ें वो भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि डाइवर्स है, लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं कई सारे, और आप उनको फोकस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जिसको आपने फोकस करना है वो है चेंजिंग फैमिली एंड लिविंग पैटर्न। पहले लोग क्या होते थे, एक बंदा कमाता था, सारी औलाद जो उसकी थी या उसके बहन भाई होते थे वो खा रहे होते थे, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती थी, सब्जी और रोटी खा ली, बस बात ख़त्म। इतनी लग्जरी लाइफ नहीं थी, इतनी वो जो आज ज़िंदगी में हर जगह पे आपकी चॉइस है, ड्रेस लोग साल में एक दफ़ा ले लेते थे, बस गुजारा चलता था। तो अब पैटर्न चेंज हो चुका है, अब क्या हो गया है, लोग मेहनत करते हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं
यानी कि आप जहाँ पे भी देखें जो मॉडर्न जो जनरेशन हैं उनमें क्या रुझान पाया जाता है, उसका जो लड़का है या जो मेल है वो भी काम कर रहा है, फीमेल है वो भी काम कर रही है, बच्चे क्या है केयर हाउस में छोड़े हुए हैं उनकी वो वहाँ पर हो रही है, और बुज़ुर्गों को भी घर से बाहर भेज देते हैं जो स्पेशली जो जहाँ पर केयर सेंटर बने हुए हैं, तो वहाँ पर देखें फैमिली पैटर्न ही चेंज हो चुके हैं, काम करने का तरीकाकार ही बदल चुका है, सोच का तरीकाकार ही बदल चुका है। और पहले डाइवोर्स रेट बहुत कम होता था क्योंकि डिपेंडेंट लोग होते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे, अब ये चीज़ें नहीं है, हर बंदा इंडिपेंडेंट हो रहा है और जिसकी वजह से डाइवोर्स रेशियो भी बढ़ रही है। इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ न्यू चिल्ड्रंस मार्केट, अब बच्चों की आप बात करें तो आप अमेरिका में चले जाएँ तो आपको मुख्तलिफ रंग नस्ल के बच्चे नज़र आएंगे, तो बच्चों की भी आप बात करें तो आप उनकी फोकस करेंगे कि इनकी चॉइस क्या है, इनकी इनके जो रंग और इनके जो मुनासबत से आपको चेंज करना पड़ता है, यानी कि जो मगरब में जाएंगे तो उसके जो परमानेंट रेजिडेंट्स होंगे उनकी चॉइस कुछ और होगी, उनके ड्रेसेस कुछ और होंगे, जो कि माइग्रेंट्स होंगे उनके कल्चर कुछ और होंगे, तो ये और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, सहूलियात ज़्यादा होने की वजह से जनरेशन जो है वो यंग ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है पहले इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, आप जितने पेयर होते हैं उनके हर एक दो तीन बच्चे हैं, तो यानी कि आने वाली जो जनरेशन है उनमें बच्चों की तादाद ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट को आप बच्चों पे फोकस करना चाहते हैं या बड़ों पे फोकस करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपने जो इनकम एंड एजुकेशन इंक्रीजेस आर टू अदर इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर इंपैक्टिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट एरिना, तो इनमें जो इनकम के लोग, पहले लोगों की सिर्फ इनकम बहुत कम होती थी, अब जो है बिजनेस है, इंडस्ट्री है, हर जगह पे बिजनेस का एनवायरनमेंट है, तो इनकम लोगों की बढ़ चुकी है, और लोगों की जो एजुकेशन लेवल है वो भी बढ़ चुका है, जब एजुकेशन लेवल और इनकम बढ़ती है तो चॉइसेस बढ़ जाती है, जब चॉइसेस आपके बढ़ती हैं तो लाइफ में आप लाइफ को लग्जरी बनाने के लिए उस तरीके से अपनी जो है वो सोच बदलते हैं, आपकी यूजेज और प्रोडक्ट्स जो हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं वो भी चेंज होती हैं, तो इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इसने भी इम्पैक्ट किया है, और इनकम बढ़ने की वजह से और एजुकेशन बढ़ने की वजह से लोगों की सोच बदली है, और उनको जब आप फोकस करेंगे मार्केटिंग उनको करेंगे तो आपको डेफिनेटली एक आउट परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको एक अच्छी प्रोडक्ट देनी पड़ेगी और उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ हैं, यानी कि मार्केटिंग जो मैनेजमेंट फिलॉसफीज़ से अगर आप इस जो है इस हेडिंग को समझ जाएं तो आधा जो है टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाता है, यहाँ पे यानी कि एक तो मार्केटिंग है, मार्केटिंग तो आपने करनी ही है, हर फर्म ने अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है, ये ठीक हो गया, मार्केटिंग की बात हमने कर दी कि हर एक की ज़रूरत है मार्केटिंग करना, अब उसकी प्रोडक्ट क्या है उस हिसाब से वो जो स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि उन्होंने कौन सा तरीकाकार अप्लाई करना है जिससे वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो मार्केटिंग करेंगे, और इस मार्केटिंग को जो मैनेज करेंगे कि हमने अपनी मार्केटिंग को इस तरीके से लेके चलना है, तो कौन सी मार्केटिंग की मैनेजमेंट का तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ है, ये फिलॉसफीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कंपनीज़ हैं वो मुख्तलिफ फिलॉसफीज़ पर अमल करते हुए अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं, उनमें से अगर हम बात करें तो ये चार चीज़ें हमारे पास पांच हैं, कुछ होते हैं जो प्रोडक्ट कंसेप्ट होते हैं, यानी कि अपनी प्रोडक्ट की बेस पे मार्केटिंग करते हैं और अपनी पूरी की पूरी मार्केटिंग को मैनेज करते हैं प्रोडक्ट की बेस पे, कि फ़र्ज़ किया अगर डॉलेंस है वो अपनी जो है रेफ्रिजरेटर बनाता है, फ्रिज बनाता है या एसी बनाता है, रूम कूलर बनाता है, व्हाट्सएवर जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की बेस पे अगर फ़र्ज़ किया वो मार्केटिंग अपनी मैनेज कर रहा है तो वो फोकस कर रहा है प्रोडक्ट के कंसेप्ट को। इसके अलावा अगर कोई दूसरा बंदा जो प्रोडक्शन के कंसेप्ट को कि हम इतनी प्रोड्यूस कर सकते हैं और दूसरा कोई जैसी चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता और हमारे पास इतनी कैपेसिटी है और हम इसकी इतनी वैलिडिटी वगैरह देते हैं, तो उसकी बेस पे अगर कोई फोकस करेगा तो उसको आप कहेंगे कि वो मैनेज कर रहा है अपनी मार्केटिंग को बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कंसेप्ट। अगर किसी का सेलिंग का कंसेप्ट है कि जी हमारे पास जितनी भी प्रोडक्शन हो जाए, हमारे पास मैन पावर ऐसी है, हम ऐसी मार्केटिंग कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ कंट्रीज़ में अपनी ह्यूज अमाउंट में जो क्वान्टिटीज़ हैं जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल कर सकते हैं, इट्स मीन कि वो सेलिंग कंसेप्ट को फोकस कर रहा है, यानी कि हर एक बंदा अपने हिसाब से लेकर चल रहा है। दूसरा एक है मार्केटिंग की बेस पे, यानी कि वो मार्केट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की गुंजाइश है, वहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी स्पेस है, वो चीज़ आगे प्रोड्यूस करवाते हैं, इट्स मीन कि वो मार्केटिंग कंसेप्ट की बेस पे काम कर रहे हैं। अब देखिए सेलिंग और ये दोनों थोड़े से मिक्स हो रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दूँ मार्केटिंग कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट में ये होता है कि आप जितनी भी आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कह देते हैं, आप जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं आप प्रोड्यूस करें, लेकिन हम सेल कर लेंगे, तो इट्स मीन कि वो सिर्फ और सिर्फ
सेलिंग को फोकस कर रहे हैं, यानी कि जितना भी आप प्रोड्यूस कर लेते हैं वो सेल कर लेंगे। और दूसरा बंदा क्या कहता है कि हम मार्केट का सर्वे करेंगे, मार्केट के लोगों से पूछेंगे, अल्टीमेटली जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, हम उनसे पूछेंगे कि जी आप ज़िंदगी किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल है, आप खुद ऑब्जर्व करते हैं, अगर जहाँ भी उनको मुश्किल होगी उस मुश्किल को आसान करने के लिए आप स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट होगी तो फलां बंदे की ये आसानी हो जाएगी। आप उसको आइडिया देते हैं अगर कि हम आपके लिए ये चीज़ कर दें। इरिगेशन का सिस्टम देख लें, पहले पानी होता था खेतों में, एक जगह से लगाएं और दूसरी जगह से जो है वो जब तक पुर नहीं हो जाता था तो पानी आप फसलों को दे रहे हैं। अब जाके देखें मॉडर्न टाइम है, उसकी पाइपिंग हुई हुई है, जहाँ पे आप पानी देते हैं तो पहले जो है 3 घंटे में अगर 1 एकड़ को जो है इरिगेशन होती थी, अब जो है आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारी की सारी फसल को पानी होता है। इकोनॉमिकल हो चुका है, आपके खर्चे कम है और आपकी फसल कम ख़राब होती है। तो यानी कि आप उसको सहूलत देते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपेसिटी, मार्केट स्पेस, मार्केट की स्पेस को देखते हुए आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसको कहते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। इसके अलावा सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, ये जो एक है, एक दरमियानी रास्ता है, यानी कि आपने सोसाइटी को देखना है कि सोसाइटी में आप सोसाइटी के लिए किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं, और फिर मार्केटिंग भी देखनी है कि लोगों की ज़रूरत भी क्या है। लेट्स सपोज एक जो था एक कंपनी थी, उसने अपने रैप्स को भेजा जहाँ के आप मार्केटिंग करें। उन्होंने देखा जी जो हायर लेवल जिन लोगों की इनकम है उनको एक लग्जरी गाड़ी की ज़रूरत है जिसमें वो ट्रैवल करें और उनको शोर ना हो और वो रिलैक्स हो सकें। और आप देख लें एरोप्लेन भी ऐसे हैं जैसे बिल्कुल कमरे हैं और उनमें हर चीज़ दुनिया की सहूलत मौजूद है। लेकिन एक और फर्म थी, उसने सर्वे करवाया, उसने कहा कि मार्केटिंग लोगों की है सही, लेकिन हमें ऐसी गाड़ी बनानी चाहिए जो धुआं ना छोड़ती हो बल्कि इलेक्ट्रिक बेस्ड हो। यानी कि वो सोसाइटी का भी सोच रही है कि सोसाइटी का भी ओवरऑल फ़ायदा हो। जब इस तरह की दो चीज़ें आप देखेंगे, यानी कि सोसाइटी प्लस आप जो लोगों की रिक्वायरमेंट देखेंगे, तो इस हिसाब से जो आप स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसको कहेंगे सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। तो ये सारे का सारा जो है टेक्स्ट आगे चल के आप इसी चीज़ों को ही आप पढ़ेंगे, आप रीड कर सकते हैं इसमें। यानी कि ये द प्रोडक्ट कंसेप्ट है, तीसरे नंबर पे द सेलिंग कंसेप्ट है जिसमें सेल ही करना है आपने जितनी भी प्रोडक्शन हो। इसके बाद मार्केटिंग कंसेप्ट है, आपने लोगों की राय लेनी है, उनसे जो ज़रूरत होगी वही उनको प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद जो आखिरी है द सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, जिसमें मैंने आपको आखिरी एग्जाम्पल दी कि एक अच्छी प्रोडक्ट आप देते हैं जिससे लोगों की ज़रूरत भी पूरी हो और सोसाइटी की वेलफेयर भी हो। द सोसाइटल कंसेप्ट कंसेप्ट कॉल्स अपॉन मार्केटर्स टू बैलेंस द कंसिडरेशन इन सेटिंग देयर मार्केटिंग पॉलिसीज, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट को भी उन्होंने देखना होता है, कस्टमर के वांट्स को और सोसाइटी को। ये 3 वो चीज़ें हैं जिनको उन्होंने कंसीडर करना होता है। यानी कि सबसे पहले मार्केट कंपनी का प्रॉफिट भी होना चाहिए उस प्रोडक्ट में, इसके अलावा कस्टमर की ज़रूरत भी है और सोसाइटी में उसका फ़ायदा भी है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं जब सोसाइटी की ओवरऑल बात की जाती है। इसके बाद जो आता है इवॉल्विंग व्यूज ऑफ मार्केटिंग रोल, कि मार्केटिंग का रोल क्या है। पहले जब मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट बनी तो यही समझा गया, जिस तरीके से प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, उसी तरीके से इसकी भी एक डिपार्टमेंट है। जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो इसकी जो मार्केटिंग है इसने अपनी जगह बना ली, ज़्यादा कर दी। देखें यहाँ पे आप इस फिगर को देखते हैं तो हर एक इक्वल है, लेकिन यहाँ पे मार्केटिंग देखते हैं तो मार्केटिंग ने अपनी स्पेस ज़्यादा कर ली। और इसके बाद आप मार्केटिंग को जाते हैं देखते हैं तो जो पॉइंट आपका सी है, मार्केटिंग एज द मेजर फंक्शन, तो मार्केटिंग सेंट्रल रोल अदा करती है यहाँ पे। और अब अगर मॉडर्न आप देखते हैं चीज़ें मॉडर्न हिसाब से लेके चलते हैं तो मार्केटिंग इटसेल्फ कुछ नहीं है बल्कि कस्टमर वो है, आपका जो कस्टमर है जो आपकी प्रोडक्ट को, चीज़ को यूज़ करेगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी डिमांड है, उसको आप कंसीव करके अगर उस तरीके से प्रोड्यूस करेंगे तो वो आपके सारे के सारे फंक्शन को, अब जो है फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सारी की सारी साइड पर होगी, दरमियान में सेंट्रल रोल किसका है, कस्टमर का है। तो कस्टमर जो है अब जो है जो लेटेस्ट फॉर्म हो चुकी है वो कस्टमर फौरन जो है कस्टमर और मार्केट ये आपस में अटैच होते हैं, और मार्केटिंग करने के जो डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के दरमियान में लिंकेज करती है। वो कैसे,
अब हमें चाहिए कि प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट का सर्वे करेंगे, लोगों की ज़रूरत महसूस करेंगे कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत है। स्मार्टफोन हर साल हर 6 महीने के बाद एक नया मॉडल आ जाता है, क्या वजह है? कुछ ऐसी ज़रूरत होती है जो लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही होती, तो वो कस्टमर की ज़रूरत को देखते हुए मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले उनकी ज़रूरत को कम्युनिकेट करते हैं, प्रोडक्शन और फाइनेंस वगैरह और HR उस तरीके से एक्टिवेट हो जाती हैं और वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो है वो मार्केटिंग जो है वो काम करती है आज के मॉडर्न दौर में। तो आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस, मुख्तलिफ जो जो कॉमर्स के रेलिवेंट हैं, स्पेशली लेक्चरर कॉमर्स वगैरह। तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.howardacademy.com और आप हमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई आपके फीडबैक हो वो भी हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारा सेल नंबर गिवन है। तो ऑल द बेस्ट, आज का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।